आज हम सर्वाइव करने वाले 150 डेज एक सिंगल बैरल के ऊपर, और ये बैरल एक ऐसे ओशन में होगी जहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। एंड साथ ही हमें सर्वाइव करने के लिए इसके अंदर कुछ बेसिक का राशन पानी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए हमें अपने दो टाइप के गोल को कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले टाइप में हमारा बिल्ड वाला पार्ट आता है, जिसमें पहले हमें सभी टाइप के ऑटोमेटिक फार्म बनाने पड़ेंगे। विलेजर्स के रहने के लिए एक बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल बनाना, अपने दो फुल्ली मैक्स बीकन को बिल्ड करना, साथ ही कुछ प्लेटफॉर्म पे बड़े से डेकोरेशन के बिल्ड बनाना। सेकंड टाइप में हमारा वॉर एंड एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट आता है, जिसमें पहले तो हम दोनों को फुल्ली इंजेंटेड नेदरराइट का आर्मर बनाना होगा, एंड ड्रैगन को मार के उसका एग ऑब्टेन करना होगा। दो विदर से फाइट करके नेदर स्टार लेने होंगे, एंड सिटी में जाकर दो लाइटर को ऑब्टेन करना होगा। एंड लास्ट अपने और भाई के रहने के लिए एक बड़े से हाउस को बनाएंगे, और ये सब हम हार्डकोर में नहीं करने वाले हैं, तो वीडियो को एंजॉय करना। वर्ल्ड के अंदर एंटर होती डे वन पे हम स्पॉन हो गए थे एक बैरल के ऊपर, एंड यहाँ पर हमें इस बैरल के साथ साथ दूर दूर तक ठंडे पानी के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहले भाई और मैं ये चेक करते हैं कि इस बैरल के अंदर हमें सर्वाइव करने के लिए कितना राशन पानी मिला है। इसके अंदर से हमें एक स्टैक डर्ट, कुछ सैपलिंग, तीन ग्रास ब्लॉक और एक लाव बकेट मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर हमें एक मछली पकड़ने का डंडा भी दे दिया जाता है, बट सैडली यहाँ पर हमें खाने के लिए राशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिला है। अब क्योंकि इस छोटी सी बैरल पे हम दोनों नहीं खड़े हो पा रहे थे, तो मैंने भाई को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। एंड अब भाई मेरे को ठंडे पानी में ना गिरा, इसलिए मैं डर्ट की मदद से कुछ एरिया एक्सपेंड करता हूँ। एंड साथ ही यहाँ पे जो चेस्ट के अंदर सैपलिंग मिली थी उनको भी प्लांट कर देता हूँ। नाउ हमें इंतजार है इन पेड़ों के ग्रो होने का। एंड तभी मुझे याद आता है कि चेस्ट के अंदर कुछ हड्डियां भी पड़ी हुई थी, तो मैं इन्हें लेके भाई को मछली पकड़ने का डंडा दे देता हूँ। एंड अब भाई अपने सालों पुराने मछली पकड़ने के धंधे में लग जाते हैं। एंड तभी मैं यहाँ पे बोन मिल की मदद से हमारे पहले ट्री को ग्रो करता हूँ। एंड तभी भाई को फिशिंग करते हुए यहाँ पर एक रॉड एंड फ्लैश मिलता है। एंड मछली के अलावा इसने अभी तक यहाँ पे एक सड़ा हुआ मांस निकाला है, बट अभी गरीबी की वजह से हमें इसी को खा के काम चलाना पड़ेगा। एंड जब तक भाई मछुआरे का काम कर रहे हैं, मैं इस ट्री को कट करता हूँ। एंड इस बार उन्हें एक बॉटल मिली थी, तो फिलहाल मैं इसे बैरल में रख देता हूँ। एंड फटाफट से भाई और अपने लिए कुछ वुडन के टूल्स बनाता हूँ, एंड कुछ टूल भाई को भी देता हूँ। एंड तभी उन्हें यहाँ पर एक और बॉटल मिलती है। एंड अब तक भाई को मछली के अलावा दो बॉटल और कुछ कचड़ा ही मिला था। लग रहा है पहले भाई का प्रोफेशन कुछ और ही था। देन मैं यहाँ पर बचे हुए कुछ और सैपलिंग को भी प्लांट कर देता हूँ। अब क्योंकि हमारे बैरल के अंदर एक लावा बकेट भी थी, तो फटाफट से हम यहाँ पर एक कोबलस्टोन जनरेटर बना लेते हैं, जिससे हमें पानी के नीचे जाकर मजदूरी ना करनी पड़े। एंड अब फटाफट से मैं लग जाता हूँ यहाँ पे कोबलस्टोन माइन करने के लिए। पीसफुली माइनिंग का काम करते हुए यहाँ पर मेरे से एक गलती हो जाती है। गलती से मैं यहाँ पे आगे का डर्ट ब्लॉक माइन कर देता हूँ, और इस वजह से हमारा एक लौता लावा भी ऑब्सीडियन में बदल चुका था। मेरी इस प्रो गलती पे भाई थोड़ा सा प्यार दिखाते हैं, बट अभी अच्छी बात यह है कि हमारे पास टोटल 23 कोबलस्टोन इकट्ठा हो चुके हैं। तो फटाफट से मैं अपने कुछ स्टोन के टूल्स बनाता हूँ, एंड कुछ टूल भाई को भी देता हूँ। अब क्योंकि इतनी देर हो गई थी, बट एक भी ट्री ग्रो नहीं हो रहा था। एंड भाई को फिशिंग करते हुए यहाँ पे दुनिया भर का कचरा मिल रहा था, तो अब हम डिसाइड करते हैं कि हमें नीचे जाके कुछ स्टोन माइन करना चाहिए। नीचे जाके स्टोन माइन करते हुए मैं यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता बनाता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे भाई को भी बुला लेता हूँ। यहाँ पर आते सबसे पहले हम काफी सारे स्टोन को माइन करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे जाते हुए हमें यहाँ पे काफी सारी डर्ट भी दिखती है, तो भाई और मैं मिलकर यहाँ पे सारी डर्ट को माइन कर लेते हैं, जो कि हमारे बेस को एक्सपेंड करने के लिए और साथ ही क्रॉप ग्रो करने के लिए काम आएगी। सभी डर्ट को माइन करने के बाद हम अपने बेस के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पर आके हमें पता चलता है कि हमारे सारे ट्री ग्रो हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ लॉक को कलेक्ट करके उसे चारकोल बनाता हूँ, एंड फटाफट से अपने यहाँ पे टॉर्च बना लेता हूँ। देन फिर यहाँ पे जितने भी ट्री ग्रो रखे थे उन्हें कट कर लेता हूँ, और तभी भाई को फिशिंग करते हुए यहाँ पर एक परफेक्ट फिश मिलती है। एंड वो मेरे को इसे खाने के लिए बोलते हैं, और इसे खाते ही पता नहीं मेरे को कौन सा नशा हो जाता है। लग रहा है भाई को किसी ने मेरे नाम की सुपारी दे दी है। बट इन सब चीजों के बाद हम केव से लाई डॉट से अपना कुछ एरिया एक्सपेंड करते हैं, एंड साथ ही कुछ और सैपलिंग को भी प्लांट कर देते हैं। इतनी देर तक फिशिंग करने के बाद फाइनली भाई को दो मछली मिलती है, तो मैं सेब और मछली खा के अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ। काफी देर से यहाँ पे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और तभी हमारे ऊपर एक बिजली का हमला होता है। लग रहा है मेरी सुपारी देने वाला कोई और नहीं, हीरो ब्राइन था। अच्छा चलो, आज के लिए इतनी बकवास काफी है। अब क्योंकि फिशिंग रॉड होते हुए भाई से मछली नहीं पकड़ी जा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे हम भूख से ही मर जाएंगे। तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से काफी सारे केल्प को इकट्ठा करने के लिए, जिसे खाकर हम एटलीस्ट जिंदा तो रह ही सकते हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पे काफी सारी मछलियों को भी पकड़ता हूँ, एंड साथ ही यहाँ पे घूम रहे एक दो राउंड को भी मारता हूँ। देन हमारे पास जितनी भी लकड़ी होती है उसे प्लैंक्स में कन्वर्ट करके अपने बेस को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। एंड रात होते होते अपने चारों तरफ कुछ और सैपलिंग को भी प्लांट कर देते हैं। नाउ टाइम आ चुका है माइनिंग पे जाकर आयरन के साथ साथ कुछ और जरूरी सामान को इकट्ठा करने का। लास्ट टाइम माइनिंग के टाइम पे भाई को एक आयरन और मिला था, जिससे अभी हम यहाँ पर एक शील्ड बना लेते हैं। अपने माइनिंग के रास्ते पर नीचे जाते हुए हमें काफी बड़ी सी केव दिखती है। यहाँ से नीचे जाते ही लाखों में ज़ॉम्बी हमारे ऊपर हमला कर देते हैं, और इन सब का तो ठीक है, लेकिन भाई मेरे को स्केलेटन समझ के एक फटका लगा देता है, और मैं यहाँ पे मरते मरते बचता हूँ। मॉब वगैरह का तो पता नहीं, लेकिन ये भाई मेरे को जरूर मार देगा। केव के अंदर आगे बढ़ते हुए हम कुछ और मॉब की कुटाई करते हैं, और आगे हमें इस वर्ल्ड का पहला डायमंड भी दिख चुका था। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से कुछ आयरन ओर को माइन करते हैं, एंड साथ ही साथ उन्हें स्मेल्ट करने के लिए भी लगा देते हैं। स्मेल्ट होने के बाद हम सबसे पहले तो उससे एक आयरन की पिकेक्स बनाते हैं, एंड यहाँ पर आसपास जितने भी डायमंड थे उसे माइन कर लेते हैं। देन केव को और एक्सप्लोर करे बिना हम अपने बेस के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि फिलहाल हमें खाने की काफी ज्यादा कमी हो रही थी। तो हमारे पास जितना भी इंपॉर्टेंट सामान था उसे चेस्ट के अंदर रख देते हैं, और यहाँ पे जितने भी ट्री ग्रो रखे थे उन सभी को कट करने लग जाते हैं। देन सभी लकड़ियों को प्लैंक्स पे कन्वर्ट करने के बाद हम अपने बेस के चारों तरफ एक सर्कुलर बाउंड्री बनाते हैं,
देन ट्री कट करते हुए हमारे कुछ एक्स टूट गए थे, तो मैं अभी कुछ एक्स बनाता हूँ। एंड अभी आप देख सकते हो कि हमने इस पूरे सर्कुलर एरिया को फिल कर दिया है, और अब हमारे बेस के ऊपर एक जादूगर भैया स्पॉन होते हैं। ये अपने सस्ते जादू की वजह से मिस्टर इंडिया बनने का ट्राई कर रहे थे, बट सबसे खास बात तो ये है कि अपने साथ साथ स्प्रूस की सैपलिंग लेकर आया था। अब तक सब कुछ ठीक से चल रहा था, तभी हमारे ऊपर फैंटम अटैक कर देते हैं। बट केव में स्केलेटन को मार के हमें कुछ बो एरो मिले थे, जिसकी मदद से मैं यहाँ पे एक फैंटम को टपकाता हूँ। देन अपने सभी केल्प को फर्नेस में पकाने के लिए रख देता हूँ। इसी तरह से हमारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करने का काम ठीक ठाक चल रहा था, बट अभी भी हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी फूड के ना होने की। और अभी हमारे पास जो केल्प थी वो फूड के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं थी, तो मैं और भाई निकल जाते हैं समुद्र में और केल्प को इकट्ठा करने के लिए। केल्प वगैरह इकट्ठा करके हम काफी सारे फर्नेस बनाते हैं, और उन सभी फर्नेस में अपनी केल्प को पकाने के लिए रख देते हैं। देन हम अपने लिए एक टेम्परेरी फूड फार्म बनाते हैं, देन फटाफट से इसके ऊपर हो करते हैं, और बैरल के अंदर हमें जितनी भी सीड मिली थी उसको यहाँ पे प्लांट कर देते हैं। अब इतनी सारी केल्प होने के बाद भी हमें ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि फूड के लिए केल्प जो है ना तो गाइस अब हमारा टारगेट होने वाला है अपने लिए काफी बड़े मॉब फार्म को बनाने का, जिसके लिए हमें रेडस्टोन और क्वार्ट्ज ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। और आपको तो पता ही होगा कि क्वार्ट्ज ब्लॉक हमें नेदर में ही मिलते हैं, तो एक डायमंड की पिकैक्स बना के सबसे पहले ऑब्सीडियन तो मैं यहीं से माइन कर लेता हूँ। देन ऑब्सीडियन के साथ साथ और रिसोर्सेज के लिए हम आ जाते हैं केव के अंदर, और यहाँ पर आती हमारा धमाकेदार स्वागत होता है। देन जैसे जैसे मॉब से बचते हुए आगे बढ़कर हमें इस जगह का सबसे बड़ा लावा पूल दिखता है, तो यहाँ पर आके भाई और मैं कुछ ऑब्सीडियन को माइन करते हैं। देन हम कुछ और की तलाश में आगे निकल जाते हैं। आगे चल के मेरे को 2-3 डायमंड भी मिलते हैं, बट यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये होती है कि भाई को यहाँ पर एक जॉम्बी को मारते हुए एक कैरेट मिल जाती है, और आगे जाके ये कैरेट हमारे फूड सोर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। देन मैं आसपास के कुछ आयरन ओर को भी माइन करता हूँ, बट इन्हें माइन करते हुए मेरे ऊपर स्केलेटन अटैक कर देते हैं। एंड आर्मर वगैरह ना होने की वजह से मैं यहाँ पे 1.5 हर्ट पे बचता हूँ। तो अब केव को एक्सप्लोर करना था दूर, यहाँ पे सर्वाइव करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, तो मेरे को यहाँ पे मजबूरन एक डायमंड की सॉर्ट बनानी पड़ी। देन कुछ और जॉम्बी को मारने के बाद मैं काफी सारे आयरन को माइन करता हूँ। देन तभी आगे बढ़ते हुए पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चुल मचती है, बट मैं ये कर देता हूँ। शिट नूब। देन फटाफट से यहाँ पर आके अपना बचा हुआ सामान कलेक्ट करता हूँ, और अच्छी बात ये थी कि भाई ने इतनी देर में सामान डीस्पॉन होने से तो बचा लिया था। ज्यादातर सामान तो मेरा यहाँ पे लावा में जलने से बच गया था, बस मेरे थोड़े बहुत आयरन का नुकसान हो गया। देन केव में आगे बढ़ते हुए हमें एक माइनशाफ्ट मिलती है, जिसके अंदर आती हमें काफी सारे आयरन दिख रहे थे। माइनशाफ्ट के अंदर हमें आयरन के साथ साथ काफी सारे कोल और सबसे इंपॉर्टेंट अपने वूल को बनाने के लिए स्ट्रिंग मिल रही थी, तो फटाफट से हम इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे को एक चेस्ट भी मिलती है, जिसके अंदर से कुछ ब्रेड, गोल्ड और साथ ही एक नेम टैग भी होता है। आगे चलकर एक और चेस्ट मिलती है, जिसके अंदर कुछ ब्रेड और ब्लूबेरी होती है। और इस तरह से एक्सप्लोर करते हुए मैं यहाँ पे एक जॉम्बी से मरने वाला था, तो भाई ने यहाँ पे सही टाइम पे मेरे को पीछे से आके बचा लिया। बट ये चीज जॉम्बी के भाई बंधु को तो अच्छी नहीं लगती है, तो इन सबसे बचने के लिए मैं अपने आप को यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। एंड भाई यहाँ पे इन सबसे लड़ने में लगा पड़ा था। तुम जैसे अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है। देन थोड़ी बहुत और माइनिंग करके आ जाते हैं हम अपने बेस के ऊपर। एडम जितना भी सामान माइन करके लाए थे उसे फटाफट से चेस्ट के अंदर रख देते हैं, और फिलहाल हम काफी सारी क्वांटिटी में आयरन ओर को लेकर आए हैं, क्योंकि हमें अपने मॉब फार्म को बनाने के लिए काफी सारे हॉपर को बनाना पड़ेगा। तो लगे हाथ हम इन सभी आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख देते हैं। देन केव में जितनी भी बोन इकट्ठा हुई थी उससे बोन मिल बना के अपने क्रॉप को ग्रो करते हैं। देन स्ट्रिंग से वूल बना के मैं हमारे बेड वगैरह को भी बना लेता हूँ, और हमारे बेड को बनाने के लिए शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। बट मैं यहाँ पर एक चीज नोटिस करता हूँ, हमारा ट्रेडर यहाँ पे डिस्पॉन हो चुका है। अब अगर जाना ही था तो यहाँ पे अपनी स्प्रूस की सैपलिंग रखकर जाता। देन भाई और मैं मिलकर यहाँ पर एक डबल साइड वाला कोबलस्टोन जनरेटर बनाते हैं। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके बनाते हैं, जिसमें हम हॉपर और चेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बट फिर भी हमें यहाँ पे खुद ही कोबलस्टोन को माइन करना पड़ेगा। देन भाई और मैं मिलकर यहाँ पे मॉब फार्म के लिए काफी सारे कोबलस्टोन को इकट्ठा करते हैं। देन अपने पूरे बेस पे उग रहे सभी ट्री को कट कर लेते हैं। एंड गाइस पूरी जर्नी में हमने काफी सारे पेड़ों को काटा है, एंड पेड़ कटिंग का काम मैं आपको बार बार नहीं दिखाऊंगा, वरना आप बोर हो जाओगे। देन भाई और मैंने यहाँ पे जितना भी मटेरियल इकट्ठा किया था उसे डबल चेस्ट के अंदर रख देते हैं। मॉब फार्म को बनाने के लिए हमारा 95% मटेरियल तो इकट्ठा हो चुका है, तो अब टाइम आ चुका है अपनी थोड़ी बहुत सेफ्टी पे ध्यान देने का, जिसके लिए फटाफट से भाई और मेरे लिए एक आयरन के आर्मर को बनाता हूँ। नाउ अब हम दोनों के पास अपना आयरन का आर्मर तो हो चुका है, तो अब टाइम आ चुका है अपने मॉब फार्म के 5% मटेरियल को इकट्ठा करने का, जिसके लिए मैं फटाफट से यहाँ पर एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ। देन इसे लाइट अप करके भाई और मेरे लिए कुछ ब्रेड बनाता हूँ। नाउ फाइनली अब हम रेडी है नेदर में जाने के लिए। नेदर में आती सबसे पहले तो हम अपने आसपास देखते हैं, और फिलहाल तो हमें यहाँ पे ठीक ठाक सा स्पॉन लग रहा था। देन सबसे पहले भाई और मैं पिगलिन से मार ना खाने के लिए कुछ गोल्ड को माइन करते हैं। देन भाई के लिए गोल्डन बूट और अपने लिए गोल्डन हेलमेट बना लेता हूँ, और लिटरली पोर्टल के थोड़ा और आगे जाती है हमें क्रिमसन और वॉर्ब एक साथ दिख जाती है। बट फिलहाल हमारा नेदर में आने का मेन रीजन था कॉर्ड्स को माइन करना, तो फटाफट से भाई और मैं यहाँ पे काफी सारे कॉर्ड्स को माइन करते हैं। देन इधर उधर की थोड़ी बहुत बायोम एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल जाते हैं वापस अपने पोर्टल की तरफ। बट मुझे पता चलता है कि पोर्टल पे भाई का एक पिगलिन से मैटर हो गया है, बट मैं यहाँ पे जैसी जल्दीबाजी में आता हूँ मैं नीचे गिर जाता हूँ। एंड मैं यहाँ पे भाई के चक्कर में मरते मरते एक हार्ट पे बचता हूँ। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं देन फिर अपने बेस के ऊपर आके सभी गोल्ड को इंगट में कन्वर्ट करता हूँ। नाप टाइम आ चुका था हमारे एक और प्लेटफॉर्म को बनाने का, जिसके ऊपर हमारा बड़ा सा मॉब फार्म होने वाला है, तो भाई यहाँ पे लग जाता है काफी सारे वुड को कट करने के लिए। एंड मैं लग जाता हूँ यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए।
नाउ शाम होते होते हमारा प्लेटफॉर्म भी उनके तैयार हो चुका है। अब क्योंकि गाइस हमारा मॉब ग्राइंडर का डिजाइन नॉर्मल जैसा नहीं होने वाला है और उसे बनाने के लिए हमें टोटल 25 से ज्यादा हॉपर लगेंगे, तो भाई और मैं आ जाते हैं यहाँ पर केव को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड हर बार की तरह हमारे पुराने दोस्तों के साथ धमाकेदार स्वागत होता है, तो फटाफट से हम यहाँ पे काफी सारा मॉब को मारते हैं। सभी मॉब को मारते हुए और केव में फाइट करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे, एंड तभी मुझे पता चलता है कि भाई यहाँ पर एक स्केलेटन से मर गए। चलो मैं तो कम से कम गिर के मरा था, लेकिन भाई तो यहाँ पे मॉब से पिट रहे हैं, तो डिस्पॉन ना हो जाए इसलिए उनका मैं सारा सामान इन्वेंटरी में ले लेता हूँ। एंड उनके यहाँ पर आते ही सबसे पहले उनको सारा सामान दे देता हूँ। देन आगे बढ़ते हुए भाई को पानी के नीचे कुछ डायमंड भी दिखे थे, तो फटाफट से मैं आकर देखता हूँ तो यहाँ पे काफी ज्यादा डायमंड थे, तो मैं डोर वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके फटाफट से इन डायमंड को माइन कर लेता हूँ। देन इसी तरह से हम केव में आगे बढ़ते हुए काफी सारे आयरन और गोल्ड को माइन करते हैं। आगे चलकर हमें एक माइन शाफ्ट मिलती है, जिसकी पहली चेस्ट में से हमें कुछ गोल्ड और एक नेम टैग मिल जाता है, एंड दूसरी चेस्ट में से हमें सिर्फ कचरा ही मिलता है। देन हम अपने बेस के ऊपर आके सभी आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख देते हैं, एंड ज़ॉम्बी को मारते हुए भाई को एक आलू भी मिला था। अब मैं हमारे मेगा मॉब फार्म में जो भी पिस्टन, रिपीटर, रेडस्टोन जो भी लगना था उसको बना लेता हूं। नाउ भी आप देख सकते हो कि बिल्ड करने के लिए हमारा सारा मटेरियल तैयार हो चुका है, एंड हमने जो यहाँ पे नया प्लेटफॉर्म बनाया है इसके ऊपर हम अपना मॉब फार्म बनाने वाले हैं। तो काम करते हैं, फटाफट से इसको बनाने का काम शुरू करते हैं। नाउ फाइनली हमारा मॉब फार्म के तैयार हो चुका है, और लिटरली इसका मॉब स्पॉन रेट बाकी मॉब फार्म से काफी ज्यादा अच्छा है। एंड नीचे हमने यहाँ पे काफी सारी चेस्ट भी लगा दी है, ताकि यहाँ से मिले कचड़े को हम यहाँ पे चेस्ट के अंदर रख सके। इस फार्म के 100 ब्लॉक ऊपर हमने यहाँ पर एक AFK पॉइंट बनाया है, जिसके ऊपर भाई और मैं बारी बारी AFK करते हैं। नाउ भाई और मैं लग जाते हैं यहाँ पर मॉब की कुटाई करने के लिए, इस होप में कि हमें यहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाए। एंड कुछ देर बाद हमें यहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल भी जाता है, तो बाकी मॉब्स को मारकर हम इसे बाहर निकालते हैं और इस नल्ले विलेजर को यहाँ पर बोट में बिठा देते हैं। एंड अभी यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इसने हाथ में शवल ले रखी है, जिससे ये तो कन्फर्म कि ये डिस्पॉन नहीं होगा। एंड लगता है ऐसा पता नहीं है कि ये किन लोगों के बीच में आ गया है। आगे जाकर हम इससे इतनी मजदूरी करवाने वाले हैं कि ये कहेगा भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी इजी। देन हम अपने टेम्परेरी फूड फार्म पे क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं एंड सीड को रीप्लांट कर देते हैं, एंड साथ ही हम यहाँ पे काफी सारे पेड़ों को भी हार्वेस्ट करते हैं। इन सब चीजों के बाद हमें अपना एक परमानेंट फूड फार्म भी बनाना था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बाउंड्री बनाने का काम स्टार्ट कर देता हूँ। नाउ अपने पूरी बाउंड्री तो बनके तैयार हो चुकी है, बस इसके अंदर डर्ट फिल करना बाकी है। और इतनी देर में मेरे नूब भाई प्रो भाई ने यहाँ पे ब्रिज बनाने का काम भी स्टार्ट कर दिया था, जो कि फिलहाल तो दिखने में अच्छा लग रहा है। देन मैं आ जाता हूँ केव के अंदर कुछ डर्ट माइन करने के लिए। नाउ अभी हमारे पास इनफ डर्ट इकट्ठा हो चुकी है, तो एक काम करते हैं अपने फूड फार्म के काम को कम्प्लीट करते हैं। एक ब्यूटीफुल से सनसेट के साथ साथ अपना फूड फार्म भी बनके तैयार हो चुका है, और इतनी देर में भाई ने मॉब फार्म के प्लेटफॉर्म को भी काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया था, एंड इसके ब्रिज को तो भाई ने कुछ ज्यादा ही अच्छा बना दिया। अब इतना अच्छा डेकोरेशन तो भाई से एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था, क्योंकि भाई एक नूब ठीक ठाक प्रो बिल्डर है। नाउ भाई को केव में ज़ॉम्बी को मारते वक्त जो कैरेट मिली थी उसको मैं यहाँ पे बोन मील की मदद से मल्टीप्लाई करने लग जाता हूँ, जिससे आगे जाकर हम अपनी गोल्डन कैरेट बनाएंगे। बोन मील के बाद मेरे पास जितनी भी कैरेट और सीड होती है मैं उनको यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। अब क्योंकि हमारा बड़ा सा फूड फार्म बनके तैयार हो चुका है, तो मैं ऐसे हमारे टेम्परेरी फूड फार्म को रिमूव कर देता हूँ। नाउ मैं मॉब फार्म पे थोड़ा AFK करता हूँ, जिससे कि हमें अपना दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर भी मिल सके, क्योंकि हम अपने दोनों ज़ॉम्बी विलेजर को एक साथ क्योर कर देंगे। काफी देर तक AFK करने पर भी हमें यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी विलेजर नहीं मिल रहा था। लग रहा है जिसे हमने यहाँ पे बोट में बिठाया उसने किसी को भी आने से मना कर दिया यहाँ पर। नाउ हम डिसाइड करते हैं कि जब तक हमारा दूसरा ज़ॉम्बी विलेजर आएगा तब तक अपने थोड़े बेस को ही एक्सपेंड कर लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक नए प्लेटफॉर्म की बाउंड्री बनाता हूँ। एंड भाई लग जाते हैं यहाँ पे काफी सारे ट्री को कट करने के लिए। देन उसके बाद भाई और मैं मिलकर इस पूरे प्लेटफॉर्म को फिल करने लग जाते हैं। नाउ अपना प्लेटफॉर्म भी बनके तैयार हो चुका है, जिसमें आगे जाकर हमारी बड़ी सी जेल या फिर ये कह लो बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल बनने वाला है। तो गाइस अब मेरा आर्मर पूरा डैमेज हो चुका था और मेरी चप्पल तो यहाँ पे टूट ही चुकी थी, तो मैं यहाँ पे भाई को धमका के उससे आर्मर ले लेता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, काफी रिक्वेस्ट करने पे मिला है। देन मैं चले जाता हूँ मॉब फार्म पे AFK करने के लिए, एंड मॉब वगैरह को मार के यहाँ से मेरे को जितनी भी बोन मिलती है उसको ले लेता हूँ। एंड बोन मिल की मदद से अपने क्रॉप को ग्रो करके अपनी थोड़ी बहुत फार्मिंग का काम करता हूँ।
ना अपने पूरी फार्मिंग का काम भी कंप्लीट हो चुका था एंड भाई आपको यहाँ पे काम करने से ज्यादा मजे लेते हुए दिखेंगे। देन हमारे पास जितने भी कैरेट होते हैं उससे अपने गोल्डन कैरेट बना लेता हूँ एंड उसके बाद दो डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ। दोस्तों हमारा नॉर्मल नेदर पोर्टल दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक बड़े से नेदर पोर्टल में जिसके लिए हमें काफी सारे ऑब्सीडियन चाहिए होंगे। तो फिर से हम नल्लो की तरह आ जाते हैं केव के अंदर और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इतने सारे मॉब कैसे स्पॉन हो रहे हैं। इतने मॉब तो हमारे मेगा मॉब ग्राइंडर में भी स्पॉन नहीं होते। इन मॉब से जैसे जैसे बच के हम आ जाते हैं अपने लावा पूल के ऊपर एंड यहाँ पर भाई और मैं अपने 0.2 की स्पीड से ऑब्सीडियन को माइन करने का काम शुरू कर देते हैं। देन भाई मुझे बोलते हैं कि इस वीडियो के बाद वो मेरी सेटिंग करवा दे। अब उन्हें कैसे बताऊं कि मैं यहाँ पे खुद सिंगल मर रहा हूँ। खैर इन सब चीजों के बाद हम एक माइनशाफ्ट में पहुंचते हैं जहाँ से हमें एक दो चेस्ट भी मिलती है जिसमें से हमें गोल्डन एप्पल मिल जाता है। इसी तरह केव को आगे एक्सप्लोर करते हुए हमें एक मॉब स्पॉनर मिलता है जिसकी चेस्ट में यहाँ पे सिर्फ कचरा ही भरा पड़ा था। देन आगे चलकर भाई और मेरे को काफी सारे मॉब स्पॉनर मिलते हैं और इन सभी के अंदर थोड़ी कैजुअल लूट थी। देन भाई और मैं यहाँ से जाते जाते कुछ डर्ट भी इकट्ठा करते हैं। वापस जाते वक्त हमें यहाँ पे सुनहरे पत्थरों की केव भी दिखती है तो भाई और मैं इसे भी माइन कर लेते हैं क्योंकि आगे जाके ये हमारे काम आने वाली है। तो गाइस अब हमारा टारगेट होने वाला नेदर फोर्ट्रेस में जाकर ब्लेज रॉड को लेके आना और अपनी जड़ी बूटी बना के अपने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करना। देन हम काम करने की वजह अपना दूसरा काम करने लग जाते हैं। मैं लग जाता हूँ यहाँ पर अपने कुछ नए प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए एंड भाई लग जाते हैं यहाँ पे अपने ब्रिज वगैरह को बनाने के लिए। हमारे दो नए प्लेटफॉर्म तो बनके तैयार हो चुके थे और इतनी देर में भाई ने फूड फार्म और ट्रेडिंग हॉल के ब्रिज पे एक अच्छा सा डेकोरेशन भी कर दिया था जिसे देख के मजा ही आ गया। देन मैं मॉब फार्म के ऊपर एक और ज़ॉम्बी विलेजर के लिए एएफके करता हूँ एंड गेस व्हाट क्या होता है, मेरे को ज़ॉम्बी विलेजर नहीं मिलता है मेरे को। तो मैं उसका गुस्सा पेड़ों पे निकालता हूं और काफी ज्यादा पेड़ों को हार्वेस्ट करता हूं। एंड जब मैं इस बार मॉब फार्म पे एएफके कर रहा हूं तो यहाँ पे गलती से क्रीपर फट जाता है। लग रहा है इस वीडियो के बाद मेरे को बाबा राम रहीम के पास जाना चाहिए। अब वही मेरी स्फूटी किस्मत का कुछ कर सकते हैं। नौ जब तक भाई ने यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल के ब्रिज को और इसकी बाउंड्री को बनाकर अच्छी तरीके से कम्प्लीट कर लिया था और एक तरफ मैं हूँ कि एक ज़ॉम्बी विलेजर नहीं पकड़ा जा रहा मेरे से, तो अगेन मैं मॉब फार्म पे आ जाता हूँ ज़ॉम्बी विलेजर के लिए एएफके करने के लिए। और हर बार की तरह इस बार भी मेरे को ज़ॉम्बी विलेजर नहीं मिलता, मिल जाता है मेरे को। लग रहा है बाबा राम रहीम का नाम लेते ही यहाँ पे चमत्कार हो गया। इस वीडियो के बाद जाना ही पड़ेगा लगता है मिलने, तो फटाफट से मैं इसको निकाल के बाहर यहाँ पे बोट में बिठाता हूँ। अब फटाफट से हमें इन दोनों नौकरों को क्योर करने के लिए अपनी जड़ी बूटी बनानी पड़ेगी। तो नेदर में जाने से पहले हम सबसे पहले अपनी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे सभी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं ताकि वहाँ पे मार खाते वक्त फाइट करते वक्त अपनी हेल्थ को जनरेट कर सके। देन अपने खाने पीने का सभी इंतजाम करने के बाद मैं अपने लिए एक नया आयरन आर्मर बना लेता हूँ एंड अब हम दोनों रेडी है नेदर में जाने के लिए। यहाँ पर आते ही सबसे पहले हम ब्रिजिंग करने के लिए कुछ ब्लॉक को इकट्ठा करते हैं देन फिर उन्हीं ब्लॉक का इस्तेमाल करके आग में जलते हैं। मैं तो चलो यहाँ पे पहली बार में गलती से जल गया लेकिन जब भाई यहाँ पर आते हैं तो वो भी जल जाते हैं। क्या मतलब हम दोनों की नूब हरकतें खत्म ही नहीं हो रही है। देन फोर्ट्रेस की तलाश में नेदर में आगे बढ़ते हुए पता नहीं भाई को क्या सूझी और भाई ने यहाँ पे नीचे गिरते हुए बैट क्लच कर दिया। गाइस हमारी इन प्रो हरकतों की वजह से ही वीडियो लेट होती है। देन मैं फटाफट से यहाँ पे लगी आग बुझा के भाई का सामान कलेक्ट करता हूँ एंड भाई के यहाँ पर आते ही फटाफट से उन्हें सारा सामान देता हूँ। देन आगे बढ़ते हुए फाइनली हमें यहाँ पे फोर्ट्रेस भी मिल जाती है। देन यहाँ पर आकर ब्रिजिंग तो हम फोर्ट्रेस के ऊपर आ जाते हैं। अब बस यहाँ पे फटाफट से 15-20 ब्लेज रॉड चुरानी है। फोर्ट्रेस पे आते भाई यहाँ पे अपनी प्रो स्किल से ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। देन फोर्ट्रेस में इधर उधर भटकते हुए हम कुछ विदर स्केलेटन को मारते हैं एंड फाइनली हमें यहाँ पे अपना ब्लेज स्पॉनर भी मिल जाता है। यहाँ आते ही सबसे पहले हम कुछ ब्लेज वगैरह को चटकाते हैं देन फिर वो ब्लेज हमारी हड्डी चटकाते हैं और इनसे यहाँ पे जैसे तैसे बचते बचाते अपने विदर स्केलेटन और ब्लेज से फाइट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे काफी सारी ब्लेज रॉड को कलेक्ट करते हैं। देन यहाँ से निकलते वक्त भाई जब पिगलिन को लावा की मदद से मार रहे होते हैं तो उसमें मैं भी जल जाता हूँ। ये चीज तो मैं भूल ही गया था कि भाई के होते हुए मैं सेफ रह ही नहीं सकता। वापस पोर्टल की तरफ आते वक्त हमें यहाँ पे सोल सैंड बायोम भी मिली थी तो हम यहाँ से काफी सारे बोन ब्लॉक को इकट्ठा कर लेते हैं। देन जैसे हम अपने बेस के ऊपर आते हैं यहाँ पर एक ट्रेडर स्पॉन हो रखा था एंड इसकी ट्रेड देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि अब हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। नहीं चिंता मत करो हम इसको नहीं मारेंगे। हम डिसाइड करते हैं कि इसको इसकी गलती के लिए एक यूनिक सजा देनी चाहिए तो हम डिसाइड करते हैं कि इसको जिंदगी भर के लिए यहाँ पे बंदी द्वारपाल बनाना चाहिए। तो अब अपने मेन काम पर आते हैं। सालों से वेट कर रहे अपने ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने पर तो फटाफट से मैं उनके लिए यहाँ पे पोशन बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। नाउ फाइनली हमारी खट्टी मीठी जड़ी बूटी बनके तैयार हो चुकी है। देन इन पे खट्टी मीठी जड़ी बूटी मार के एक गोल्डन एप्पल खिलाता हूँ एंड ये हमसे एस्केप करने के लिए डिस्पॉन ना हो जाए इसलिए यहाँ पे कुछ बेड और जॉब ब्लॉक रख देता हूँ। नाउ भी आप देख सकते हो कि भाई ने हर प्लेटफॉर्म की बाउंड्री और उसके ऊपर लैंप लगा के यहाँ पे अच्छे से डेकोरेशन कर दी है और इतनी देर में हमारे दोनों मजदूर विलेजर भी क्योर हो चुके थे। अब क्योंकि इन्हें ये प्लान पता चल गया था कि हम इनसे मजदूरी करवाने वाले हैं तो ये हमसे एस्केप करने के लिए कभी भी डिस्पॉन हो सकते हैं। इनके प्लान को फ्लॉप करने के लिए मैं यहाँ पे एक एनविल बनाता हूँ और इनके लिए बढ़िया से नाम सोचता हूँ। एक का नाम मैं खट्टा रखता हूँ और दूसरे का नाम मीठा रखता हूँ। खट्टे वाले का तो ठीक है लेकिन शायद मीठे वाले को अपना नाम पसंद नहीं आया। तुम जैसे अगर मार के जेल जाना पड़ा।
तो अब टाइम आ चुका था इनके लिए एक बड़े से ट्रेडिंग हॉल को बनाने का, जिसके लिए भाई और मैं यहाँ पे कॉबलस्टोन को इकट्ठा करने का काम शुरू कर देते हैं। एंड उसके बाद हम काफी सारे ट्री को भी हार्वेस्ट करते हैं और जितने भी बड़े वाले ट्री की लीव्स होती है उसमें आग लगा के इस जगह को क्लीन करते हैं। एंड तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे बैठे ट्रेडर ने हमारे बेस को एस्केप कर लिया है, बट उसके दो लामा अभी भी हमारे कब्जे में है। देन मैं ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए कुछ और मटेरियल को क्राफ्ट करता हूँ। एंड अभी आप देख सकते हो कि हमारे ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए सारा मटेरियल इकट्ठा हो चुका है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इसको बनाने का काम शुरू करते हैं। अब सिनेमैटिक में एंजॉय करो। नाउ फाइनली हमारा ट्रेडिंग हॉल बनके तैयार हो चुका है और इसको हमने बाहर और अंदर काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट काम होने वाला है हमारे खट्टे मीठे विलेजर को ट्रेडिंग हॉल के अंदर शिफ्ट करना। तो रात होती भाई और मैं इन्हें बेड वाली ट्रिक की मदद से ट्रेडिंग हॉल के अंदर शिफ्ट करने लगते हैं और इन्हें बेड वाली ट्रिक की मदद से यहाँ पे ले जाना काफी आसान था, तो हमारा ये काम भी फटाफट कम्प्लीट हो जाता है। एंड अभी आप देख सकते हो कि लिटरली रात में ब्रिज देखने में कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। इनको यहाँ पे हमने आराम से शिफ्ट तो कर दिया था, बट पता नहीं भाई यहाँ पे एक विलेजर के साथ क्या कर रहा था। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग होती है, मैं कैरेट की मदद से अपने खट्टे मीठे को ब्रीड करवा देता हूँ एंड तभी यहाँ पे हमें चटपटा मिलता है। देन पता नहीं भाई उसके साथ भी क्या करने लग गए थे। अब हमें यहाँ पे एक बड़ा सा कस्टम डिजाइन नेदर पोर्टल बनाना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे मटेरियल क्राफ्ट करने लग जाता हूँ। मैं कुछ बीट रूट को ग्रो करता हूँ जिससे कि मैं रेड डाई बना सकूँ। एंड उसके बाद मैं रेड डाई और ब्लू डाई को मिला के पर्पल डाई बना लेता हूँ, जिससे मैं कुछ पर्पल ग्लास बनाता हूँ। एंड साथ ही भाई और मैं ट्रेडिंग हॉल में अपने विलेजर को ब्रीड करवाते जा रहे थे। अपने नेक्स्ट बिल्ड को बनाने के लिए हमें थोड़ी बहुत क्रिम्सन वाली वुड की भी जरूरत थी, तो भाई और मैं नेदर में आ जाते हैं। बट भाई यहाँ पे दोबारा से एक और पिग्लिन वाला मैटर कर लेते हैं एंड इन सबसे बचने के लिए वो अपने आप को ब्लॉक करके कवर कर लेते हैं। तो जब तक मैं यहाँ पे अकेले जाके काफी सारी क्रिम्सन वाली वुड को इकट्ठा कर लेता हूँ। एंड जब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ भाई अपना जुगाड़ लगा के इनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और इन सभी से बच जाता है। अब हमारे पोर्टल को बनाने के लिए अपने सारे मटेरियल तो इकट्ठा हो चुके हैं, तो एक काम करते हैं फटाफट से इसको बनाने का काम शुरू करते हैं। नाउ अब हमारी बड़ी सी तलवार बनके तैयार हो चुकी है और एज अ प्रो बिल्डर हम दोनों ने इसको काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट भी कर दिया है। अच्छा चलो ठीक है, यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख लिया था। नाउ इतने दिनों में हमारे मजदूरों की भी क्वांटिटी बढ़ चुकी है, तो अब टाइम आ चुका है अपने बेस के ऊपर कुछ एनिमल्स को लेकर आने का, जिसके लिए मेरे को यहाँ पर एक डर्ट का एरिया बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर मॉब वगैरह स्पॉन हो सके। एंड अगर आपको याद होगा कि स्टार्टिंग बैरल में 3 ग्रास ब्लॉक भी थी, तो मैं उसे यहाँ पे ले लेता हूँ एंड इस ग्रास को मैं इस डर्ट के एरिया में लगा देता हूँ, जिससे कि ये सभी डर्ट के ऊपर फैल सके और हमारे प्यारे प्यारे से एनिमल यहाँ पे स्पॉन हो सके। ग्रास ब्लॉक पूरे एरिया में फैल जाए इसलिए मैं कुछ दिनों तक AFK करता हूँ। एंड जब तक भाई यहाँ पे पेड़ों को काटने का काम करते हैं। एंड अभी आप देख सकते हो कि लगभग पूरे एरिया में ग्रास फैल चुकी है। जब मैं यहाँ पर AFK कर रहा था भाई यहाँ पे कुछ ये लिख कर गया है। अब इन चीजों से आजकल के बच्चे भी नहीं डरते हैं, पता नहीं भाई ने क्या ही सोच के लिखा है। गजब बेइज्जती है। तो भाई लोग अभी फिलहाल हमारा बेस दिखने में कुछ ऐसा लगता है। एंड अभी हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने पूरे बेस के चारों तरफ एक बाउंड्री बनानी चाहिए, जिसमें हमारी दो नेदर की बायोम, एक एंड बायोम और एक ओवरवर्ल्ड का फॉरेस्ट होगा एंड साथ ही हमारे दो बीकन के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म भी होंगे। तो फटाफट से इनकी बाउंड्री और प्लेटफॉर्म बनाने का काम शुरू करते हैं। नाउ फाइनली हमारी साइट की बाउंड्री के साथ साथ हमारे दोनों बीकन के प्लेटफॉर्म भी बनके तैयार हो चुके हैं। एंड तभी भाई मुझे एनिमल फार्म के ऊपर बुलाते हैं। यहाँ पर हमारे दो गाय, एक शीप और एक हॉर्स स्पॉन हो रखा था। अभी एनिमल भी इस चलाक ट्रेडर की तरह हमारे बेस को एस्केप कर सकते हैं, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि इन्हें बाउंड्री में कवर करके एक एनिमल फार्म बनाना चाहिए। तो मैं लग जाता हूँ यहाँ पर अपने एनिमल फार्म को बनाने के लिए। एंड तब तक भाई यहाँ पे थोड़ी बहुत डेकोरेशन का काम करता है।
अपना एनिमल फार्म तो बनके तैयार हो चुका था एंड साथ ही साथ भाई ने यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म पे भी अच्छी डेकोरेशन करती थी। नौ मैं कुछ वीट को हार्वेस्ट करके अपने एनिमल को ब्रीड करवाता हूँ क्योंकि भाई और मैं अभी तक यहाँ पर गाजर मूली सब्जियां खाकर पक गए हैं। अब क्योंकि हमने अपने एनिमल के रहने के लिए एक अच्छा सा फार्म बना दिया है तो अब फाइनली टाइम आ चुका है अपने विलेजर से मजदूरी करवाने का। अब एक लाइब्रेरियन को विलेजर को बनाने के लिए हमें लेक्टन की जरूरत पड़ेगी और उसे बनाने के लिए अभी हमारे पास लेदर तो बिल्कुल नहीं है। लेदर के लिए मैं यहाँ पे एस्केप किए हुए चालाक ट्रेडर के लांबा को मारता हूँ एंड तभी भाई मुझे बताते हैं कि मॉब फार्म की छत पर भी एक ट्रेडर स्पॉन हो रखा है। तो मैं लेदर के लिए इन दोनों लांबा को भी मारता हूँ और इसकी बेकार ट्रेड देखने के बाद इसे भी मारता हूँ। देन मैं बुकशेल्फ बना के एक लेक्टन बनाता हूँ और आ जाता हूँ अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर। एंड अभी हमें एक ऐसा विलेजर चाहिए जो अच्छी बुक के साथ साथ बुकशेल्फ को भी सेल करे जिसे हम और भी लेक्टन बना के इनसे मजदूरी करवाएंगे। तो अब मैं लग जाता हूँ यहाँ पर अपने उस खास विलेजर की तलाश में। फाइनली हमें एक ऐसा विलेजर मिलता है जो प्रोटेक्शन 4 की बुक दे रहा था बट सैडली हमें बुक सेल्फ नहीं सेल कर रहा था। तो सबसे पहले तो मैं इस विलेजर की ट्रेड लॉक करता हूँ। इंडिया हमारे लिए और कोई नहीं, हमारे मीठा भाई लेकर आए थे। दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था वाइगन। अब क्योंकि भाई अभी तक प्लेटफॉर्म के डेकोरेशन के काम में लगे पड़े थे तो मैं आ जाता हूँ नेदर के अंदर लेदर कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आके सबसे पहले काफी ज्यादा हॉगलिंस को मारता हूँ एंड मेरे को जितना भी लेदर मिला था मैं उसे दो लेक्टन बनाता हूँ। देन मैं ट्रेडिंग हॉल की चेस्ट में कुछ सामान रख ही रहा था कि मुझे पता चलता है भाई की गलती की वजह से यहाँ पर एक विलेजर बाहर भाग गया था। तो समय रहते हम इस चालाक विलेजर को बोट में बिठा देते हैं। अब क्योंकि इतनी देर में भाई ने काफी सारी वुड को भी कलेक्ट कर लिया था तो भाई और मैं ट्रेडिंग हॉल के अंदर आके लग जाते हैं अपने सभी बुक्स और एमरल्ड को ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे सभी लाइब्रेरियन हमें सिर्फ बेकार की बुक सेल कर रहे थे जिसकी वजह से हमें इस काम को करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। देन जब मैं अपने बीच वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर चेस्ट में से कुछ सामान लेने आया था तभी मुझे पता चलता है कि हमारे नूब भाई ने यहाँ पर एक और विलेजर को बाहर निकाल दिया है एंड पता नहीं भाई की नूब हरकतें कब खत्म होगी। लग रहा है भाई इन विलेजर के हाथों 150 रुपए में बिक गए हैं और धीरे धीरे विलेजर को यहाँ से भगाने के चक्कर में है। अब क्योंकि फिलहाल हमें ट्रेडिंग करते हुए कुछ काम की बुक तो मिल चुकी थी जिनमें से एक फॉर्चून 3 की बुक भी थी तो मैं एक नई डायमंड की पिकैक्स बना के भाई और मेरी पिकैक्स के ऊपर फॉर्चून 3 की बुक को लगा देता हूँ। हमें अपने बेस के ऊपर काफी दिन हो गए हैं बट हम फिर भी अपने आयरन आर्मर में ही घूम रहे हैं तो अब हमें जल्दी से जल्दी अपने डायमंड आर्मर को भी बनाना पड़ेगा। हम माइनिंग पे जाने ही वाले होते हैं कि भाई को यहाँ पर एक ट्रेडर दिखता है जिसको मैं यहाँ पे मार देने के लिए कहता हूँ बट इसको ना मारने का रीजन ये था कि अपने हाथों स्प्रूस की सैपलिंग लेकर आया था। तो मैं ट्रेडिंग हॉल से एमरल्ड लेके कुछ सैपलिंग को बाय कर लेता हूँ। अब क्योंकि हमारे बेस के ऊपर अपना ठीक ठाक काम हो चुका था एंड अभी तक हमने यहाँ पे काफी सारे बिल्ड भी बना लिए थे तो अब हम डिसाइड करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी अपने डायमंड माइनिंग पे जाना चाहिए। माइनिंग पे जाने से पहले मैं कुछ अपने एनिमल्स को ब्रीड करवाता हूँ एंड भाई और मैं निकल जाते हैं यहाँ पे डायमंड माइनिंग की तरफ। केव को एक्सप्लोर करते हुए हमें कुछ डायमंड भी दिखते हैं एंड फॉर्चून 3 की मदद से मेरे को पहले डायमंड को माइन करते ही टोटल 4 डायमंड मिल जाते हैं। हम अपने प्लान ए के अकॉर्डिंग स्ट्रिप माइनिंग करने वाले थे बट क्योंकि यहाँ पे प्लान ए सभी का फेल होता है इसलिए हम अपने प्लान ए को पहले ही कैंसिल कर देते हैं एंड अपने प्लान बी के अकॉर्डिंग केव में मॉब से मार खाते हुए अपने डायमंड को ढूंढते हैं। और सीरियसली मैं मोजांग वाले से पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे मॉब कहाँ से आ रहे हैं भाई बट अगेन मेरे को यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई यहाँ पर अपना लड़ाई झगड़े का काम कर रहा है एंड यहाँ पे मैं सेफली बैठे हुए देख रहा हूँ। अब ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया से चला जाए, इस दुनिया को छोड़ के। देन हमें यहाँ पे कुछ डायमंड भी मिलते हैं एंड केव को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए हमें यहाँ पर और डायमंड दिखते हैं। तो भाई और मैं अपनी अपनी डायरेक्शन में डायमंड को माइन करते जा रहे थे एंड साथ ही साथ हम आगे कुछ गोल्ड को भी माइन करते हैं एंड केव के अंदर हमारे पुराने दोस्तों की दुश्मनी खत्म ही नहीं हो रही थी तो कुछ मॉब वगैरह को पीटने और पीटने के बाद हम आगे कुछ आयरन को भी माइन करते हैं एंड आयरन के साथ साथ हमें केव के अंदर जितने भी डायमंड मिलते हैं उन सभी को माइन करते हैं। अभी तक भाई और मेरे पास ठीक ठाक डायमंड इकट्ठा हो चुके थे तो हम यहाँ पर बिना एक भी सेकंड की देरी किए हुए इस खतरनाक केव से बाहर निकलते हैं। नाउ फाइनली हमारी डायमंड माइनिंग का काम भी कंप्लीट हो चुका है एंड अभी आप देख सकते हो कि हम डायमंड के साथ साथ कितने सारे ओर को माइन करके लाए हैं। तो अब मैं भाई और अपने लिए फुल्ली डायमंड के आर्मर को बना लेता हूँ। तो भाई लोगों अब आप देख सकते हो कि अपना फुल्ली डायमंड का आर्मर बनके तैयार हो चुका है एंड बस अब इसके ऊपर अपने फुल्ली एंचेंटमेंट को लगाना बाकी है। देन मैं यहाँ पे अपने आयरन आर्मर को लावा में फेंक के उसकी औकात दिखा रहा होता हूँ एंड तभी मेरे से यहाँ पर एक गलती हो जाती है। मैं यहाँ पर अपनी शवल को ही फेंक देता हूँ। कोई बात नहीं गाइस, बहुत सारे डायमंड माइन करके लाए हैं, दोबारा बना लेंगे। अब क्योंकि हमें अपने कुछ बची हुई बुक को भी ट्रेड करना था और एमरल्ड कमाने के लिए हम यहाँ पे काफी सारे बोन मील बना लेते हैं। देन फिर हम अपने ट्री को ग्रो करके यहाँ पे कट करने लग जाते हैं। सभी ट्री को कट करके मैं चेस्ट के अंदर सामान को अरेंज कर ही रहा था कि तभी मुझे पता चलता है भाई ने यहाँ पर एक और कांड कर दिया है। गलती से क्रीपर की वजह से उन्होंने यहाँ पर रखी सभी चेस्ट और फर्नेस को उड़ा दिया एंड भाई का ये कांड देखने के बाद मुझे उनकी शकल देखने का मन नहीं कर रहा था। देन फिर यहाँ पे हमने डिस्पॉन होने से पहले सभी सामान को चेस्ट के अंदर शिफ्ट किया। तो गाइस मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम अपने फुल्ली मैक्स 2 बीकन को बनाने वाले हैं जिसके लिए हमें एक नहीं 2 आयरन फार्म बनाने पड़ेंगे। तो पहले आयरन फार्म को भाई एनिमल फार्म के ऊपर बनाते हैं एंड दूसरे को मैं यहाँ पे सॉर्ड वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाता हूँ।
नेक्स्ट डे की मॉर्निंग होते ही मेरे साथ साथ भाई का भी आयरन फार्म बनकर तैयार हो चुका था। इसके अंदर बैठे जॉम्बी को डिस्पॉन ना होने के लिए हमें कोई अच्छा सा नाम नहीं सूझता, तो हम अपनी अपनी फेवरेट मिठाई का नाम रख देते हैं। मेरे वाले जॉम्बी के लिए बेसन का लड्डू और भाई वाले के लिए बूंदी का लड्डू। एंड बनने के साथ ही हम दोनों का आयरन फार्म काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था। देन अगेन आ जाते हैं हम अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर अपनी बची हुई कुछ इंचेंटेड बुक को ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे काफी सारे वुड को स्टिक में कन्वर्ट करते हैं। देन लग जाते हैं अपने काफी सारे एमराल्ड और बुक को ट्रेड करने के लिए। फाइनली इतने दोनों की मेहनत के बाद हमारा सभी बुक्स को ट्रेड करने का काम कंप्लीट हो चुका है। देन फिर मैं अपने एनिमल फार्म के अंदर आके अपने काऊ वगैरह को ब्रीड करवाता हूँ एंड एक नई पिकेक्स बना के उसके ऊपर सिल्टच और मेंडिंग की बुक लगाता हूँ। एंड जैसा कि मैंने आपको अपने ब्लूप्रिंट पे बताया था कि हम अपने बेस के चारों तरफ नेदर की दो बायोम बनाएंगे, जिसके लिए हमें नेदर के अंदर जाके सिल्टच और क्रिमसन और वॉर्फ की ग्रास को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं बिना देरी किए नेदर के अंदर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर आते ही फटाफट से अपनी ग्रास कलेक्ट करने का काम शुरू कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास एक सिंगल चेस्ट भर के वॉर्फ वाली ग्रास तो हो चुकी है। अब बस हमें एक चेस्ट भर के क्रिमसम की ग्रास चाहिए होगी। तो मैं अगेन यहाँ पे नेदर के अंदर आ जाता हूँ और इतनी देर में भाई ट्रेडिंग हॉल के अंदर स्टिक से एमरल्ड की ट्रेड करने का काम कर रहा था। तो मैं इस बायोम के अंदर आके भी फटाफट से ग्रास कलेक्ट करने का काम शुरू कर देता हूँ। नाउ फाइनली अब आप देख सकते हो कि हमारे पास इनफ अमाउंट में क्रिमसम वाली ग्रास भी हो चुकी है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपने पिकेक्स के ऊपर अनब्रेकिंग 3 लगा रखी है, तो आप ये मत समझना कि आप इसकी हेल्थ क्यों नहीं जा रही। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमारे एक साइड पे ओवरवेट की फॉरेस्ट भी होने वाली है, तो मैं यहाँ पर आके फटाफट से ग्रास ब्लॉक और साथ ही साथ काफी सारे डर्ट भी कलेक्ट करता हूँ। अपने सभी मटेरियल को इकट्ठा करने के बाद भाई और मैं लग जाते हैं यहाँ पे अपने सारी बायोम को बनाने के लिए। नौ भी हमारी नेदर की दोनों बायोम बनके तैयार हो चुकी है। अब बस रह गया है हमारे ओवरवर्ल्ड की फॉरेस्ट को बनाना। तो भाई और मैं यहाँ पे बिना देरी किए उसे बनाने का काम भी शुरू कर देते हैं। नाउ अपनी सभी बायोम बनके तैयार हो चुकी है, बस अपनी एक एंड बायोम बनाना बाकी है जो कि हम बाद में बनाएंगे। देन भाई और मैं ट्रेडिंग हॉल के अंदर आके सभी बुक्स को ले लेते हैं एंड फटाफट से अपने पूरे आयरन टूल्स के ऊपर एंचेंटमेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास सिर्फ 2 XP बची है और अभी भी मेरे पास ठीक ठाक बुक बची हुई अपने आर्मर के ऊपर लगाने के लिए। तो फिलहाल मैं भाई को मॉब फार्म के ऊपर AFK करने के लिए भेजता हूँ, जिससे यहाँ पे काफी सारे मॉब स्पॉन होने लग गए थे। तो मैं फटाफट से इनको मार के अपनी XP को गेन करता हूँ, देन फटाफट से अपनी बची हुई बुक्स के एंचेंटमेंट के काम को कंप्लीट करता हूँ। नाउ फाइनली अभी तक हमने ठीक ठाक प्रोग्रेस तो कर ली थी एंड सभी बिल्ड को बनाने के साथ साथ अभी हमारा आर्मर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने फोर्ट्रेस में जाकर विदर हेड को कलेक्ट करना चाहिए। तो फोर्ट्रेस में जाने से पहले मैं अपने सभी टूल्स को हील कर लेता हूँ एंड तभी भाई मुझे एक इंचेंटेड बो के साथ काफी सारा गोल्डन कैरेट भी देते हैं। नाउ वो पूरी तरीके से रेडी है उन काली खोपड़ियों को इकट्ठा करने के लिए। नाउ भाई और मैं बिना देरी किए फोर्ट्रेस के ऊपर आ जाते हैं एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने अपनी सॉर्ड के ऊपर लूटिंग 3 की बुक लगा रखी है, जिससे शायद हमें वो काली खोपड़ी थोड़ी जल्दी मिल जाए। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इन्हें मारने का काम शुरू करते हैं। आप ये मॉन्टाज एंजॉय करो। काफी देर यहाँ पर पिटने पीटने के बाद मेरे पास टोटल 4 विदर हेड हो चुके हैं एंड भाई के 2 विदर हेड मिला के हमारे पास टोटल 6 विदर हेड हो चुके हैं। देन हमें आसपास और एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पर एक बेस्ट दिखती है। फिलहाल हमें यहाँ के किसी भी लूट से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें बस अपने नेदरराइट के आर्मर को बनाने के लिए स्मिथिंग टेबलेट चाहिए होगा। देन मुझे पता चलता है कि भाई यहाँ पर 2-3 ब्रूट से मैटर कर लेते हैं एंड मैं उनको बचाने जाता हूँ तो ये ब्रूट मेरे पीछे पड़ जाते हैं। एंड इस टाइम पे लावा में गिरने के बाद मैं अपनी पूरी उम्मीद खो चुका था, बट जैसे तैसे मैं यहाँ पे गोल्डन कैरेट खा के अपने आप को बचा लेता हूँ। अगली बार से भाई की किसी भी मैटर में नहीं पड़ना है मेरे को। आसपास के गोल्ड वगैरह को माइन करने के बाद हम कुछ पिगलिन ब्रूट को मारते हैं एंड आ जाते हैं इनके सबसे मेन खजाने के ऊपर। यहाँ पे इन टोटल 2 चेस्ट होती है और पहली चेस्ट के अंदर ही मेरे को यहाँ पे स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है एंड साथ ही साथ यहाँ पे काफी अच्छी लूट थी। एंड दूसरी चेस्ट के अंदर मेरे को एक और स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है, बट सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पे लिटरली एक नेदरराइट इंगट था। तो फटाफट से चेस्ट वगैरह को लूटने के बाद भाई और मैं यहाँ से गोल्ड को माइन कर लेते हैं। इस पूरी बेशन को कंगाल करने के बाद हम यहाँ से निकल ही रहे
होते हैं कि यहाँ पे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन मेरे पीछे पड़ जाते हैं, बट उन सभी से बचते बचाते हम यहाँ पर अपने पोर्टल की तरफ निकल जाते हैं। दो विदर को स्पॉन करने के लिए हमारे पास टोटल 6 विदर हेड हो चुके हैं, एंड साथ ही हमने इस चेस्ट के अंदर अपना सारा नेदर का सामान रख दिया है। अब जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हम अपना फुल्ली मैक्स नेदरराइट आर्मर बनाएंगे, तो नेदर में जाकर TNT फोड़ने के लिए मैं यहाँ पे काफी देर तक AFK करता हूँ और इनफ अमाउंट में अपना गन पाउडर इकट्ठा करता हूँ, एंड तब तक भाई चले जाते हैं ओशन में जाकर सैंड को इकट्ठा करने के लिए। नाउ भाई भी सैंड कलेक्ट करके बेस के ऊपर आ चुके थे, एंड अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास कितना सारा सैंड और गन पाउडर हो चुका है, और इन सभी से जितने भी TNT बन सकते हैं उनको यहाँ पे बना लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जितने भी TNT है वो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इनफ नहीं होंगे, बट इस चीज के लिए भी मेरे प्रो दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया है। हम यहाँ पे सभी विलेजर के बैट चोरी कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे इनसे काम हो चुका है, तो अब ये सारे विलेजर हमारे किसी काम के नहीं है। सॉरी। देन सभी चीजें इकट्ठा होने के बाद भाई और मैं यहाँ पे नेदर के अंदर आ जाते हैं, एंड यहाँ पर अपना गोला बारूद लगाने के लिए रास्ता बनाते हैं। देन फटाफट से अपने TNT लगाने का काम भी शुरू कर देते हैं। तो अपने पहले एक्सप्लोजन में हमें टोटल 4 एंशिएंट डेब्रीज मिल जाती है। देन भाई और मैं अलग अलग डायरेक्शन में एक्सप्लोजन करना शुरू कर देते हैं। अभी तक भाई और मैंने टोटल मिला के 15-20 एंशिएंट डेब्रीज इकट्ठा कर ली थी, तो अब हम करने वाले थे अभी तक का यहाँ का सबसे बड़ा धमाका। एंड जैसे ही TNT फूटते हैं, एक तो TNT मेरे ऊपर आ जाते हैं, बट पता नहीं कैसे लेकिन मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। देन फिर यहाँ पर हमें काफी सारे एंशिएंट डेब्रीज मिलते हैं। देन वापस जाते वक्त भाई याद दिलाते हैं कि हम पल कलेक्ट करना तो भूल ही गए हैं। देन फटाफट से यहाँ पे हम पल कलेक्ट करने का काम भी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अब हमारा A to Z नेदर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। देन हमारे पास जितनी भी एंशिएंट डेब्रीज होती है, मैं भाई के मेगा स्मेल्टिंग एरिया में इसको स्मेल्ट करता हूँ। अब क्योंकि हम बेशन के अंदर से अपने दो स्मिथिंग टेबलेट को लेकर आ चुके हैं, और हमारे पास पहले के जितनी भी डायमंड पड़े हुए थे उससे इसको ड्यूप करते हैं, और इतनी देर में हमारा एंशिएंट डेब्रीज भी स्मेल्ट हो चुका था। देन फटाफट से इसे मैं नेदरराइट इंगट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो फटाफट से अपने और भाई के आर्मर को नेदरराइट में अपग्रेड करते हैं। तो फाइनली अब हम दोनों नेदरराइट में अपग्रेड हो चुके हैं, एंड अभी मेरे पास बस 3 नेदरराइट इंगट बचते हैं। अब 3 इंगट की वजह से हम में से किसी एक के पास ही 2 नेदरराइट के टूल्स हो सकते हैं, तो मैं अपना बड़ा दिल दिखाते हुए भाई को 2 नेदरराइट के टूल्स देता हूँ। मैं 2 नेदरराइट के टूल्स अपने पास रख लेता हूँ, वैसे भी वो नूबड़ा इसका क्या करेगा। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद की औकात देख। तो अब टाइम आ चुका अपनी काली चिड़िया को मार के तो विदर को डिफीट करने का, जिसके लिए हम यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन करते हैं। एंड हमारी प्रिपरेशन के नाम पे बस इतना ही था कि हम कुछ गोल्डन एप्पल को बना के कुछ आईओ फेंडर बनाते हैं। पहली आईओ फेंडर फेंकने के बाद वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो मैं अपने ड्राइवर के साथ बैठ के इस भरे समुद्र में निकल जाता हूँ। एंड अभी आप जो हमारे पीछे देख रहे हो इसे हमारी तरह इग्नोर करना, क्योंकि इस वीडियो में तो हम इसके अंदर नहीं जाने वाले हैं। देन आगे चल के हमें वो लोकेशन भी मिल जाती है जिसके नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, बस अब फटाफट से अपना पोर्टल रूम भी मिल जाए। बट उससे पहले हमें यहाँ पर एक चेस्ट मिलती है, जिसके लूट देखने के बाद लग रहा था कि इनको सामने से कुछ देखे जाऊँ। आगे स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में मैं एक लाइब्रेरी के अंदर पहुंचता हूँ, जहाँ से मेरे को 2 आर्मर ट्रिम मिल जाते हैं। एंड तभी भाई मुझे बताते हैं कि उन्हें भी एक सेकंड लाइब्रेरी मिली है, जिनकी चेस्ट में कुछ और आर्मर ट्रिम थे। एंड इसी तरह ढूंढते हुए फाइनली हमें अपना पोर्टल रूम भी मिल जाता है। तो यहाँ का स्पॉनर तोड़ के फटाफट से मैं यहाँ पे आईओ फेंडर को लगाने लग जाता हूँ, एंड बची हुई 2 आईओ फेंडर भाई लगा देते हैं। तो फाइनली उस एंडरटेकर को गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर आते भाई निकल जाते हैं फाइट करने के लिए, लग रहा है इन्हें पीटने की जल्दी है। एंड अभी आप देख सकते हो कि यहाँ का व्यू खतरनाक होने के साथ कितना ज्यादा औसम लग रहा है। देन टाइम आने पर क्लच करने के लिए हम यहाँ से कुछ एंडर पेड को इकट्ठा करते हैं। अब क्लच होगा कि नहीं होगा वो तो पता नहीं, बट हम इन्हें फिर भी कलेक्ट कर लेते हैं। पल वगैरह कलेक्ट करने के बाद भाई और मैं लग जाते हैं टावर के ऊपर रखी सभी क्रिस्टल को फोड़ने के लिए। सभी क्रिस्टल फोड़ने के बाद भाई और मैं एंडर ड्रैगन में कुटाई लगाने का काम शुरू कर देते हैं। तो इसी फाइनल हिट की मदद से यहाँ पर एंडर ड्रैगन का एंड भी हो चुका था। हैशटैग एंडर ड्रैगन सैड लाइफ, हर कोई आता है और बजा के चले जाता है। देन फिर मैं यहाँ से मिली XP को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब टाइम आ चुका है यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज को ऑब्टेन करने का। हाँ कुछ नहीं, मैं इस यूजलेस ड्रैगन एग की बात कर रहा था। नाउ फाइनली मेरे को ड्रैगन एग की अचीवमेंट भी मिल चुकी है, तो मैं भाई को भी यहाँ पे ड्रैगन एग देता हूँ, जिससे उन्हें भी एडवांसमेंट मिल सके। तो अब टाइम आ चुका है अपने 2 विदर को डिफीट करने का, जिसको मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है क्योंकि इसे हम ट्रैप करके मारने वाले हैं। तो अपने एंड पोर्टल के नीचे हम यहाँ पे ट्रैप को बना देते हैं। 3 विदर हेड प्लेस करने के बाद हम अपने पहले विदर को स्पॉन कर देते हैं, एंड इस बेचारे को हमने यहाँ पे ट्रैप कर लिया था, ऐसा हमें लग रहा था। पता नहीं शायद 1-2 ब्लॉक इधर उधर लग जाता है, तभी अभी इधर यहाँ से बाहर निकल गया है। तो भाई और मैं थोड़ी हिम्मत करके इसको मारने का काम शुरू करते हैं, और लिटरली भाई और मैंने इसे बो की मदद से ही काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था, और यहाँ पर हम इसे इजीली मार भी देते हैं। एंड फाइनली हमारे हाथ अपना पहला नेदर स्टार भी लग चुका था। देन हम सोचते हैं पहला विदर तो गलती से बाहर निकल गया था, दूसरे विदर को यहाँ पे ट्रैप करके ही मार देते हैं फटाफट से। बट मेरी प्रो स्किल की वजह से ये विदर भी बाहर निकल जाता है, और अगेन भाई और मैं इसे ओपन में फाइट करने का काम शुरू कर देते हैं।
देन फाइनली हम अपने दूसरे विदर को भी इजिली मार देते हैं, बट भाई यहाँ पर अपनी तलवार चलाना रोक ही नहीं रहा था और मैं यहाँ पे दो हार्ट पे मरते मरते बचता हूँ। तो अब हमारी फाइट वगैरह का सारा काम तो कम्प्लीट हो चुका है, अब हमें वो चिड़िया के पंख चाहिए जिसे लगा के भाई और मैं यहाँ पे आसमान में उड़ सके। तो उसकी तलाश में हम निकल जाते हैं यहाँ पर अपने एनसीटी वाले पोर्टल में, एंड यहाँ पर आते ही हमारी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि हमें अपने सामने ही अपनी एनसीटी दिख जाती है। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर एक शिप भी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दरवाजे पे बैठे कुछ शल्कर को मारते हैं। अंदर जाकर हम यहाँ पर एक दो चेस्ट मिलती है जिसके अंदर सिर्फ कचरा होता है। एंड आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर काफी सारे शल्कर को मारते हैं, जिससे मैं यहाँ पर दो शल्कर बॉक्स बनाता हूँ एंड मेरे पे जो भी इंपॉर्टेंट सामान था उसे शल्कर बॉक्स के अंदर रख देता हूँ। ऊपर जाकर हमें दो और चेस्ट मिलती है जिसके अंदर बाकी सामान के साथ कुछ डायमंड भी मिल जाते हैं। देन भाई और मैं बिना देरी किए हुए शिप के ऊपर पल करते हैं एंड यहाँ पर आके फटाफट से शल्कर को मारते हैं। देन चेस्ट में रखी हुई बेकार लूट को लूटते हैं एंड फाइनली हम यहाँ से अपना इलाइटर भी ऑब्टेन कर लेते हैं। अब हमें मेरे लिए तो एक इलाइटर मिल चुकी है, तो भाई की दूसरे इलाइटर क्यों ही मेहनत करनी। एंड जब मैं यहाँ से ड्रैगन हेड को कलेक्ट करने लगता हूँ ये वॉइड में गिरने लगता है, और मैं जैसे इसको बचाने के लिए नीचे कूदता हूँ मैं सिर्फ अपने आप को ही बचा पाता हूँ। अब क्योंकि भाई अपनी दूसरी लाइटर के लिए भी काफी ज्यादा जिद कर रहा था, तो भाई और मैं निकल जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में लाइटर को ढूंढने के लिए। काफी देर ट्रेवल करने के बाद मेरे को एक एंड सिटी मिलती है, इसके अंदर आके मेरे को दो चेस्ट मिलती है जिसके अंदर नॉर्मल सी लूट थी, बट सैडली इस एंड सिटी में शिप नहीं होती है। तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ पर दूसरी एंड सिटी की तलाश में, एंड काफी देर ट्रेवल करने के बाद भी मेरे को कोई एंड सिटी नहीं मिल रही थी। एंड तभी भाई को एक एंड सिटी मिल जाती है, तो फटाफट से उनके दिए हुए कॉर्ड्स को फॉलो करके मैं इस एंड सिटी के अंदर आ जाता हूँ। एंड सबसे अच्छी बात ये कि सैंड सिटी के अंदर शिप भी थी। शिप के अंदर आकर सबसे पहले हम उस बैठे हुए शल्कर को मारते हैं एंड फटाफट से यहाँ पे रखी दो चेस्ट को लूटते हैं। एंड अब फाइनली हम अपनी दूसरी लाइटर तक पहुंच चुके थे, तो फटाफट से भाई यहाँ से अपनी दूसरी लाइटर भी ऑब्टेन कर लेते हैं। पर एंड में आने से पहले हमने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी, हम अपने साथ रॉकेट बना के नहीं लाए। नाउ टाइम आ चुका था अपने शिप के ऊपर रखे ड्रैगन हेड को कलेक्ट करने का, बट इस बार ये काम भाई करते हैं क्योंकि लास्ट टाइम मेरी प्रो स्किल की वजह से वॉइड में गिर गया था। एंड ऑल्सो भाई की प्रो स्किल की वजह से वो इसे तोड़ते ही नीचे गिर जाते हैं, बट होपफुली इस बार नीचे वॉइड नहीं था तो हम दोनों यहाँ पे बॉल करके बच जाते हैं। अब क्योंकि हमारे बेस के ऊपर एक एंड वाली बायोम भी बनाना बाकी रह गया था जिसके लिए हमें काफी सारे एंड स्टोन की जरूरत पड़ेगी, तो भाई और मैं यहाँ पे फटाफट से एंड स्टोन को कलेक्ट करने का काम शुरू कर देते हैं। नाउ भी आप देख सकते हो कि लगभग 150 शल्कर भर के हम अपने एंड स्टोन को कलेक्ट कर चुके हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग इनफ होगा। देन हमारा एंड में सारा काम कंप्लीट हो चुका था, तो हम अपने ओवरवर्ल्ड के पोर्टल की तरफ निकल जाते हैं। एंड अभी आप इन शल्कर बॉक्स के अंदर देख सकते हो कि हम एंड सिटी से क्या क्या लूट कर लाए हैं। अब क्योंकि हमने अपने सारे फाइटिंग वगैरह के काम को कम्प्लीट कर लिया है, तो अब टाइम आ चुका है भाई और मेरे लिए एक शानदार हाउस को बनाने का, जिसके लिए हम सबसे पहले तो लग जाते हैं काफी सारे कोबल स्टोन को माइन करने के लिए। देन उसके बाद वुड के लिए हम काफी सारे ट्री को भी हार्वेस्ट करते हैं। देन भाई के मेगा स्मेल्टिंग एरिया में सभी स्टोन को स्मेल्ट करते हैं। एंड अभी आप देख सकते हो कि हमने अपने घर को बनाने के लिए सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, तो एक काम करते हैं फटाफट से हमारे एक बड़े से हाउस को बनाने का काम शुरू करते हैं। आप आराम से बैठ के सिनेमैटिक में एंजॉय करो। नाउ फाइनली हमारा बढ़िया सा हाउस बनके तैयार हो चुका था एंड इसे हमने बाहर के साथ साथ अंदर से भी अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया है, जो कि सामने से देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। अब क्योंकि इसके सामने की जगह थोड़ी बहुत खाली खाली सी लग रही थी, तो भाई और मैं यहाँ पे एक बड़े से कस्टम ट्री को बनाने का डिसाइड करते हैं। इस जगह को दिखने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कस्टम पॉन्ड को बना देते हैं। तभी चीजें बनाने के बाद ये जगह दिखने में काफी ऑसम लग रही थी। हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर से टोटल 4 आर्मर टिप मिले थे जिसे हम अपने आर्मर के ऊपर लगा लेते हैं। एंड इसका स्क्रीन वाला पार्ट थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मेरे घटिया प्यारे पीसी के अंदर थोड़ी स्टोरेज खत्म हो गई थी। अब क्योंकि हमारी सारी चीजें अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, बस हमारा एक लास्ट काम बचा हुआ है, हमारे दो फुल्ली मैक्स बीकन को बनाना। तो फटाफट से मैं अपने दो बीकन को क्राफ्ट कर लेता हूँ। देन हर बार की तरह हम अपने मेन काम को छोड़ के दूसरा काम करने लगते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट बची हुई बायोम को बनाने के काम को कंप्लीट करने के लिए। बस ज्यादा कुछ नहीं, हमें मजदूरी करते हुए इस पूरी जगह को एंड स्टोन से फिल करना है। हमारी पूरी जगह को एंड स्टोन से फिल करने के बाद मैं आ जाता हूँ हमारे कोरस फ्लावर को लेने के लिए। एंड तभी मैं थोड़ा बहुत टाइम पास करते हुए अपने कोरस ब्रूट वाले नशे करता हूँ।
देन तभी मेरे को हमारे कस्टम ट्री के नीचे एक ट्रेडर दिखता है। ये अपने साथ कुछ बकेट ऑफ फिश लेकर आया था, तो मैं ट्रेडिंग हॉल से कुछ एमरल्ड लेके इसे बाय कर लेता हूँ। हाँ, ये फिश हम ओशन में भी जाके पकड़ सकते थे। अब क्योंकि हम काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं तो अब हम ये छोटे मोटे काम नहीं करने वाले। नाउ मैंने अपनी सभी फिश को पॉन्ड के अंदर तो डाल दिया था, बट अब टाइम आ चुका है अपने कोरस फ्लावर को यहाँ पे प्लांट करने का। जब तक मैंने इन फ्लावर को यहाँ पे प्लांट करके एफके किया था, भाई यहाँ पर बीच में एक अच्छा सा डिजाइन बना देते हैं। एंड सेम ऐसा डिजाइन हम अगले कुछ दिनों में अपने बेस के चारों तरफ बना देते हैं। 3 days later. नाउ भी आप देख सकते हो कि हमने इसे अपने बेस के चारों तरफ बना के कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से आसपास का एरिया देखने में काफी ऑसम लग रहा है। तो दोस्तों अब बस हमारे 2 बीकन को बनाने का काम रह गया है। बट अगेन हम अपना एक और दूसरा काम करने लग जाते हैं। भाई यहाँ पे 2 मेंडिंग की बुक को लेकर आया था, जिसे मैं फटाफट से अपने और भाई की लाइटर में लगा देता हूँ। और इतनी देर में भाई ने यहाँ पे काफी सारे रॉकेट भी बना लिए थे। देन मैं भाई को उनकी लाइटर देता हूँ। देन फिर हम अपने बेस के ऊपर आसपास उठ के थोड़े मजे लेते हैं। तो भाई लोग अब टाइम आ चुका है अपने पूरे इस चैलेंज के बचे हुए लास्ट काम को करने का, अपने 2 फुल्ली मैक्स बीकन को बनाने का। बट अगेन हम अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के दूसरा काम, इस बार हम फाइनली अपना बीकन ही बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं अपने आयरन फार्म के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ से जितना भी आयरन होता है उसे फटाफट से ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूँ। एंड भी आप देख सकते हो कि सिर्फ एक आयरन फार्म से हमें इतने सारे ब्लॉक ऑफ आयरन मिल चुके हैं। तो एक काम करते हैं, फटाफट से अपने दूसरे आयरन फार्म से भी आयरन को ले लेते हैं। देन यहाँ पर आके फटाफट से मैं सभी आयरन को भी ब्लॉक में कन्वर्ट करने लग जाता हूँ। तो इन टोटल फाइनल हमारे पास इतने सारे आयरन ब्लॉक हो चुके हैं एंड साथ ही हमारे पास 21 ब्लॉक ऑफ एमरल्ड भी हो चुके हैं, जो कि ट्रेडिंग करते टाइम बच गए थे। तो फाइनली टाइम आ चुका है अपने 2 बीकन को बिल्ड करने का। तो फटाफट से अपने 2 बीकन को बना के कंप्लीट करते हैं। और इसी के साथ हमारे इस चैलेंज का आखिरी काम भी कंप्लीट हो चुका है। और इसी खुशी पे भाई यहाँ पे पटाखे फोड़ने लग गए थे। 2 बीकन बनाने के बाद भी हमारे पास इतने सारे ब्लॉक ऑफ आयरन बचे हुए हैं, जिसे हम 2 और बीकन बना सकते हैं। बट आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। एंड गाइस, इस पूरी वीडियो को बनाने के लिए लिटरली मेरे को अभी तक का सबसे ज्यादा टाइम लग गया। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पूरी मेहनत के लिए आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब दे दो। एंड फटाफट से अभी कमेंट करके बताओ कि आप इस पूरे बेस को या फिर ये कह लो कि इस पूरी कंट्री को 100 में से कितने नंबर देना चाहोगे। एंड हाँ, अपना कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।